कर्जा नहीं देंगे, हमारे पास कुछ नहीं बचा। माफ करो, और सेल्फ हेल्प ग्रुप का कर्जा भी बहनों का, वो भी माफ होना चाहिए। समूह चल रहे बाबूजी। और चौथी चीज, ठीक बात, अगले साल के खाद और बीज का, रबी अगला साल मतलब, अभी 2 महीना 1.5 महीना बाद फसल बोएंगे ना, गेहूं चने वाली, वो 0% ब्याज पे हमको खाद बीज का कर्जा चाहिए, खाद बीज चाहिए। और बिजली के बिलों में लगा दो आग, हम नहीं दे सकते, बिजली के बिल माफ करो। आज अभी ये बिजली के बिल जलाएंगे, नहीं देते, अब नहीं दे सकते हम कहीं से। अरे जेल जाओगे करना, परवाह मत कर, जेल जाओगे तो मामा आ जाएगा, चिंता मत करो। भारत माता की, भारत माता की। मामा जी अभी जलाते हैं, 2 मिनट रुको। मामा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मामा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी व्यवस्था सरकार इसलिए करे कि ये केवल भगवान का कहर नहीं था, गांधी सागर बांध से समय पे पानी नहीं निकाला गया, पानी भर गया तो नदियों में ठुल गया, और उसके कारण ये तबाही आई है, क्योंकि जवाबदारी सरकार की है, प्रशासन की है। बोले सही बात है कि नहीं? और ये व्यवस्था सरकार करे, ये ज्ञापन मुख्यमंत्री को भी देते हैं, कलेक्टर के थ्रू भी देते हैं। और एक भैया कह रहा था जेल चले जाएंगे, सुनो रे मेरे बहन और भाइयों, आज चेतावनी दे के जाऊंगा, 21 तक कार्रवाई नहीं हुई तो कलेक्ट्रेट में धरने पे बैठ जाऊंगा। अनुसार में आ जाओगे कि नहीं साहब? सब आ जाओगे?